केस लईने सामे आवी छे महत्वपूर्ण जानकारी आपे जणावी दईए के अयोध्या केस जे सुप्रीम कोर्ट में चाली रह्यो छे ते 18 ऑक्टोबर सुधी में दलीलो पूर्ण थई जाय तेवी शक्यताओ जोवाई रही छे। सीजेआईए कह्यु छे के 18 ऑक्टोबर सुधी में दलीलो पूर्ण करवामां आवे, बन्ने पक्षों ने दलीलोनी समय सीमा बतावी देवामां आवी छे। आपणे जणावी दईए के अयोध्या जमीन विवाद के छेल्ला केटलाक समयथी सुप्रीम कोर्टमां चाली रह्यो छे ने आ मामले हवे सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा समय सीमा दलीलोने लईने आपी देवामां आवी छे। 18 ऑक्टोबर सुधीमां बंने पक्षीઓને तमाम दलीलो पूर्ण करवा माटे कही देवामां आव्युं छे। तरे जोड़ाइए संवाददाता रजनीश रंजन साथे। रजनीश, जानकारी मिल रही है एक टाइम लिमिट दे दी गई है दोनों पक्षों को अयोध्या केस को लेके अपनी दलीलें रखने के लिए, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये बात कही है। आज 26वां दिन है जो हर रोज हियरिंग रही है, उसकी आज 26वीं सुनवाई है और आज ही सीजेआई ने ये कहा है कि 18 अक्टूबर तक सभी पक्षकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख दें, यानी कि 18 अक्टूबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखा है अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी होने का। और इस हिसाब से, इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि 18 अक्टूबर के बाद राम मंदिर मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे सकता है, नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में। ये जानकारी भी जरूरी है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनका कार्यकाल नवंबर में ही दूसरे सप्ताह में खत्म हो रहा है, 15-16 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं और चूंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस मामले को सुना जा रहा है, वही इस पूरे बेंच को लीड कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि उनके बेंच से ही ये निर्णय सामने आए, यानी कि उनके रिटायरमेंट से पहले अयोध्या मामले पर निर्णय आ सकता है, ये आज स्पष्ट हो रहा है। और यही जानकारी कोर्ट के भीतर से सामने आ रही है। सीजेआई ने सभी पार्टियों को कहा है कि वो अपना अपना पक्ष पूरा करें, 18 तारीख से पहले या 18 तारीख को अंतिम सुनवाई होगी इस मामले में और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा, नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में निर्णय आ सकता है। जी रजनीश, शुक्रिया।